गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टेरिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर स्टेरिंग सिस्टम क्या होता है। तो अभी तक हमने स्टेरिंग सिस्टम देखा कि क्या होता है, स्टेरिंग के टाइप्स देखे हमने, स्टेरिंग लिंकेज देखा हमने। तो अब हम देखते हैं, मैनुअल तो हमने कवर कर लिया, मैनुअल स्टेरिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम देखेंगे पावर असिस्ट स्टेरिंग सिस्टम क्या होता है। तो पावर स्टेयरिंग सिस्टम का मतलब है जहाँ पर आप स्टेयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर का यूज करते हो, जस्ट लाइक हाइड्रोलिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप यूज करते हो तो स्टेयरिंग सिस्टम को हम बोलते हैं पावर असिस्ट स्टेयरिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन है कि आप क्यों यूज करते हो। पावर असिस्ट स्टेयरिंग सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि आप अपने स्टेयरिंग एफर्ट को रिड्यूस कर सको। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत हैवी ट्रक है, सपोज 16 टन का कोई बहुत हैवी ट्रक है, उसकी स्टेयरिंग एफर्ट को अगर आपको रिड्यूस करना है और उसके स्टेयरिंग एफर्ट को किसी एक स्मॉल कार के बराबर लाना है, जितना स्टेयरिंग एफर्ट कार के लिए चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर स्टेयरिंग। तो पावर स्टेयरिंग के अदर बेनिफिट भी हैं। पावर स्टेयरिंग में जो आपको जो हमारा एक पावर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, जब भी कोई ब्रेकर आता है तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे कि जो ये शॉक है ये ट्रांसमिट नहीं होता स्टेयरिंग कॉलम पे और जो ड्राइवर पे फटीग नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट कि जो कंडीशन होती है टायर बर्स्ट की, मान लीजिए टायर आपका फट गया, तो उस कंडीशन में जो आपकी व्हीकल है वो एक साइड में डेविएशन होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डेविएशन होती है और वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ये डेविएशन को रिड्यूस करता है। जो डेविएशन आपका टायर के फटने के कारण आ रहा है, उस डेविएशन को पावर स्टेयरिंग रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें मेन एडवांटेज क्या हो गए, स्टेयरिंग एफर्ट को कम कर रहा है। सेकंड, ये पावर को जो शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे कि आपके जो शॉक है वो ड्राइवर तक ना पहुंचे, जिससे कि फटीग ना हो ड्राइवर की फटीग। नेक्स्ट, ये आपको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उस कंडीशन में, जब टायर फट जाता है तो एक साइड में डेविएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस डेविएशन को कम कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कितने टाइप के होते हैं। तो पावर स्टेयरिंग सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करता हूँ तो मुझे तो मैं एक फ्लूड यूज करूंगा, तो मेन कंपोनेंट क्या होंगे, मेनली मेरे पास एक फ्लूड होगा, वो अंडर प्रेशर रहेगा। मेनली हम प्रेशर यूज करते हैं 7 bar, 7 MPa के अराउंड हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो फ्लूड होते हैं वो ऑयल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी के, जैसे SAE 5W, SAE 10W या उससे हायर, वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन क्या है आपके, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लूड प्रेशर यूज करते हैं। तो फ्लूड हो गया आपका अंडर प्रेशर, एक सिलेंडर होता है पिस्टन सिलेंडर जो उसे पुश करता है, और एक सिस्टम होगा जो जो आपकी सप्लाई कराएगा फ्लूड की। ठीक है, तो अब हम उसमें कंप्लीट समझते हैं कि पावर स्टेयरिंग में हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो अभी हम कौन से यूज करने वाले हैं, हाइड्रोलिक। तो ये हाइड्रोलिक टाइप का पावर स्टेयरिंग सिस्टम है। तो देखिए, इसमें पहले कंपोनेंट देखते हैं हम क्या है। ये स्टेयरिंग व्हील है हमारा, दिस इज योर स्टेयरिंग व्हील, ये सभी को पता है इसका, दिस इज योर स्टेयरिंग व्हील। ये आपका स्टेयरिंग व्हील है, ये स्टेयरिंग कॉलम है आपका, स्टेयरिंग कॉलम के एंड पे एक हमारा रोटरी कंट्रोल वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोटरी कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, रोटरी कंट्रोल वॉल्व। अब ये हमारे पास एक पंप होगा, एक्चुअली पंप की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हाई प्रेशर जो आपका फ्लूड है उसको आप सप्लाई कर सको। तो पंप को रन कौन करता है, पंप को रन करता है इंजन से, रन करते हैं हम। ठीक है,
तो इसको रन कौन करेगा, इसको हम इंजन की, इंजन जो बेल्ट होती है, ठीक है, तो जो इंजन की बेल्ट है वो पावर, जो हमारा हाइड्रोलिक पंप है उसको क्या करेगा, रन करेगा। दैट मीन्स इंजन की बेल्ट से, ऑक्सिलरी बेल्ट से हम पंप को चलाएंगे। अब वो पंप हमें सप्लाई करेगा हाई प्रेशर फ्यूल। तो ये प्रेशर लाइंस है, इनको क्या अपलाएंगे हम, दीज आर कॉल्ड प्रेशर लाइंस, ये हमारी प्रेशर लाइंस है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर फ्लूड आपका सप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको प्रेशर लाइंस बुलाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वॉल्व हो गया, उसके बाद ये फ्लूड लाइंस हैं जो आपके सिलेंडर तक आपके जो फ्लूड है उसको सप्लाई करेंगे। देखिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ये और समझ लीजिए, ये क्या है आपका, ये हमारा रैक है और ये पिनियन है आपका, ठीक है, दिस इज पिनियन, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है आपका। स्टेयरिंग व्हील जब घूमेगा तो कंट्रोल वॉल्व उसको क्या करेगा, कंट्रोल वॉल्व को एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल वॉल्व उसमें डिसाइड करेगा कि कितना फ्लूड सप्लाई करना है। तो ये फ्लूड की सप्लाई हमें पंप से मिलेगी और ये सप्लाई आपकी जाएगी कहाँ पर, सिलेंडर के अंदर। तो इसको बुलाते हैं हम, दिस इज योर सिलेंडर, या इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर बुलाते हैं। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है आपकी, दिस इज योर पिस्टन, ये पिस्टन है आपकी, दिस इज योर पिस्टन। और देखिए स्टेयरिंग की रोटेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल वॉल्व एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद ये कंट्रोल वॉल्व डिसाइड करेगा कि आपको कितना कितना फोर्स आपने लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेगा कितना फ्लूड हमें चाहिए प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वो सप्लाई करेगा कहाँ पर, सिलेंडर को। सिलेंडर अब पिस्टन की हेल्प से पुश करेगी किसको, ये हमारा रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। दैट मींस ये आपको स्टेयरिंग व्हील को, जो स्टीयर व्हील्स है उसको क्या करेगी, टर्न करेगी। तो ये क्या कर रही है, रैक एंड पिनियन को असिस्ट कर रहा है। देखो रैक एंड पिनियन तो मैनुअल सिस्टम में भी था, यहां भी है, यहां पर उसको असिस्ट कौन कर रहा है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम उसको असिस्ट कर रहा है। एक साइड में जहां पर आपको पुश करना है उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे टायर्स हैं जो रोटेट होने हैं, ठीक है, जो टर्न होंगे, उसकी टर्न करने के लिए उनकी हेल्प कौन कर रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम। वो हाइड्रोलिक सिस्टम आपको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की हेल्प कर रहा है कि आपके जो व्हील है वो टर्न हो सके। तो स्टेयरिंग एफर्ट को रिड्यूस कौन कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है आपका, ठीक है, ये रिड्यूस करेगा आपका। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आपका फ्लूड है वो हमेशा क्या करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, अगर चाहे आपका रिक्वायरमेंट ना भी हो तो भी ये सिस्टम जो फ्लूड है ये सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण पावर लॉस होता है, ठीक है, इसके कारण पावर लॉस होगा, इसीलिए हम आगे चल के इलेक्ट्रिक, जो हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको यूज करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि अगर आप इसको इंजन बेल्ट से ना चलाकर यहाँ पर एक मोटर से चलाएंगे तो उस सिस्टम को बुलाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। देखिए एक ही डिफरेंस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग में, कि हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग में इंजन बेल्ट से हाइड्रोलिक पंप ऑपरेट होता है, ठीक है, इसका मतलब ये पंप हमेशा चलता रहेगा आपका। अगर इस पंप को आप किसी मोटर से चला देते हो तो उसको बुलाते हैं फिर हम, अगर यहाँ पर मैं एक मोटर लगा देता हूँ, सपोज दिस इज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो अब इस सिस्टम को हम बुलाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग में, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग में जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो आपका इंजन बेल्ट से ऑपरेट होता है, इसका मतलब वो हमेशा रन, देखो इंजन हमेशा रन करता रहता है, इंजन बेल्ट हमेशा ऑन रहेगी, तो इसका मतलब पंप भी हमेशा चलता रहेगा। बट अगर इसको हम मोटर से ऑपरेट करते हैं तो आपका जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये पंप को ऑन करेगी, इसका मतलब हमारी जो पावर लॉस हो रहा था उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को यूज करते हैं, कन्वेंशनली हम यूज करते थे इंजन बेल्ट को, बट अब हम मोटर यूज करते हैं मेनली हाइड्रोलिक पंप को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक
पावर स्टेयरिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। तो हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग के अंदर जो हाइड्रोलिक पंप होता है जो आपको हाई प्रेशर फ्लूड सप्लाई करेगा, वो हम इंजन बेल्ट से रन करते हैं उसको। ठीक है, पंप है तो उसको चलाना पड़ेगा, तो किससे चलाते हैं? इंजन बेल्ट से। बट अगर हम इंजन बेल्ट की जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज करें और तब पंप को चलाएं, तब हम इसको बुलाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। ठीक है, तो हमारे इसमें दोनों कवर हो गए हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। तो मैं समराइज कर देता हूं, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आप हाइड्रोलिक फ्लूड अंडर प्रेशर यूज करते हो, जिससे कि जो स्टेयरिंग एफर्ट है उसको रिड्यूस कर सके। कैसे करते हैं? एक पंप होता है, पंप से आपको सप्लाई मिलती है हाइड्रोलिक फ्लूड की। वो पंप आपको मेन क्या है, कंट्रोल वॉल्व पहले ये चेक करेगा स्टेयरिंग कितना आपका कितना घुमा है, कितना फोर्स लगा, उसके अकॉर्डिंग ये वहां से फ्लूड की सप्लाई लेगा और उस सप्लाई को आगे चल के सिलेंडर में पास कर देगा। सिलेंडर में आने के बाद ये पिस्टन की हेल्प से उसको पुश करेगा और आपको स्टेयरिंग जो आपके स्टीयर व्हील्स है या जो आपके स्टेयरिंग व्हील जहां पर आपको जो टर्न होने वाले व्हील्स है वो आपको टर्न हो जाएंगे। अगर ये सिस्टम आपका फेल हो जाए तो भी आप मैनुअल इसको ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रैक एंड पिनियन मैनुअल अरेंजमेंट है, वो आपका हमेशा ऑन रहेगा। तो एक ये भी बेनिफिट होता है पावर स्टेयरिंग सिस्टम के अंदर कि अगर आपका पावर सिस्टम फेल हो जाए पावर स्टेयरिंग, तो आप उसे मैनुअली ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग क्या होती है। थैंक यू।